गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 2 एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करवाई थी जो हमारी वर्ब से रिलेटेड थी। एक में हमने फिलअप किए थे जो सारे हेल्पिंग वर्ब्स थे, वो वाली एक्सरसाइज ए जो आपको मैंने नोटबुक में करने के लिए बोला था, और उसके बाद जो बी वाली एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई थी उसमें आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स फाइंड आउट करने थे और उसमें से ऑब्जेक्ट आपको अंडरलाइन करने थे, तो वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दी थी। तो आपकी जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज नंबर 3, तो ये आप बुक में ही कर लीजिए। मैं जैसा जैसे बोल रही हूँ आप उसको बुक में ही पेंसिल से मार्क कर दीजिए, ताकि ये आपको जो लेसन में हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हमने पढ़े थे तो उनके यूजेस सेंटेंस में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपके लिए जो पैसिव वॉइस वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए आप चाहे इसको नोटबुक में नहीं करें पर इसको बुक में ही एक बार जैसा मैं बोल रही हूँ आपको वैसा अंडरलाइन करते जाइए। देखिए एक्सरसाइज सी में क्या दे रखा है, अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमें अंडरलाइन करना है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमको सर्कल बनाना है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, और जो मैं बोलूंगी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर आपको पेंसिल से सर्कल बना देना। बुक पे कभी भी कोई वर्क करें तो पेंसिल से ही करें ताकि आपकी बुक नीट और क्लीन लगे। सो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर सी, और इसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा देख लेते हैं हम, गिव हिम अ पेनी। ये आपके पैसिव वॉइस वाला जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज आप ध्यान से समझिए। गिव हिम अ पेन। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा और जो इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो एक होता है अगर वन से ज्यादा ऑब्जेक्ट दे रखे, तो एक हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमको अंडरलाइन करनी है, जबकि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमको सर्कल बनाना है। तो ये जो हिम होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हम सर्कल बना देते। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है, ही प्रॉमिस्ड हिज डॉटर अ न्यू रूम। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो ये जो हिज वर्ड है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस पर हमको अंडरलाइन करना है, जबकि ये अ न्यू रिंग हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस पर हमको सर्कल बना देना है, ठीक है, तो हम इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकें। थर्ड हम देखते हैं द कमांडेंट, commanded his man to build a wooden bridge। देखिए यहाँ पर भी as usual यहाँ पर हमें दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा हिज मैन जिस पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अ वुडन ब्रिज, तो इस पर आपको सर्कल बना देना है, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा, रिया गेव हिम अ टाई। जैसा ऊपर सेंटेंसेस में हमने देखा, देखिए रिया गेव हिम, जो हिम है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस पर हम अंडरलाइन करते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर हमको सर्कल बना देना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी सा द रूबर्स
जंपिंग, ओवर द वॉल। अब आपको समझ में आ गए होंगे, इतने सारे सेंटेंसेस आपने सॉल्व किए, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए उसी तरह से जैसे हमने अभी देखा, वी सा द रोबर्स, तो जो द रोबर्स है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ओवर द वॉल, और इस पर हमको क्या बनाना है, सर्कल। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं हम यहाँ, ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो जैसा हमने सारे सेंटेंसेस के साथ किया है, ग्रैंड मदर टोल्ड अस, तो ये अस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ माइथोलॉजिकल स्टोरी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इस पर हमको क्या बनाना है, सर्कल। एक बार देख लीजिए सारे सेंटेंसेस, ताकि मैं इनको एक बार इरेज कर देती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस कर सकें अच्छे से। सारे देख लीजिए एक बार इसमें, सेवन नंबर वाला हमारा सेंटेंस है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे, मदर कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो होगा फूड, और द गेस्ट होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सेंटेंस है देख लेते हैं हम, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन अवार्ड फॉर द ब्रेव चिल्ड्रन। देख लेते हैं इसमें हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एन अवार्ड, इस पर हमने अंडरलाइन कर दिए, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द ब्रेव चिल्ड्रन, इस पर हमने सर्कल बना दिया। तो सारे सेंटेंसेस देखे आपने अभी, है ना, कि हमने कैसे फाइंड आउट किया सेंटेंस के अंदर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दे रखे हैं तो आपको इनको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जो स्टार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो सेकेंड पार्ट उसका होता है सेंटेंस के लास्ट में, और तो ये हमारा जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट अगर दिया होता है तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें इसको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ताकि जब पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने कंप्लीट पूरा कर लिया था इंटीजर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज मैंने आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा रही हूँ, रेशनल नंबर। क्लियर, ये आपका थोड़ा न्यू टॉपिक है, ये आपने नहीं पढ़ा है, बट ये एज अ सेम थोड़ा फ्रैक्शन आपने पढ़ाई है, तो फ्रैक्शन जैसा ही है, बट इसमें और बस डिफरेंस है कि साइन, मतलब इसमें प्लस माइनस। जैसे आपने इंटीजर पढ़ लिया, अब इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से होते हैं, तो इसमें बस उसी का थोड़ा यूज़ करके उसको फ्रैक्शन फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले मैंने आपको इसमें होल नंबर, ये सब आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, ये सब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब रेशनल नंबर के बारे में बता रही हूँ।
कि एज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब इसको रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म मीन्स फ्रैक्शन एज अ फ्रैक्शन। यहाँ पर फर्स्ट देखना रेशनल नंबर 8, इट इज रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मीन्स क्या p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब अपॉन में विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, मतलब p एंड q की फॉर्म क्या होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आप लिख देना। अब इसमें देखो, जैसे ऐसे एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, 2/5, क्लियर, एज अ टाइप से फ्रैक्शन भी है पर एक टाइप से ये क्या है, रैशनल नंबर भी है, क्लियर। अब रैशनल नंबर इस बिकॉज क्या है कि फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू में भी क्या हो रहा है, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, दोनों इसमें क्या होते हैं, इंटीजर, मतलब इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे 2 क्या है, एक इंटीजर, 5 क्या है, एक इंटीजर, ठीक है, और दोनों को फॉर्म करके एक क्या, एक बना रैशनल नंबर, क्लियर। और जो आपके फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक तो पार्ट होता है फ्रैक्शन, तो मैंने आपको बता दिया था कि एज अ पार्ट होता है वो किसी भी होल नंबर्स का, तो अब उसमें प्लस माइनस, उसमें इंटीजर नहीं होंगे, उसमें क्या होंगे, ओनली फॉर जैसे नेशनल नंबर, होल नंबर, इस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना, नेशनल नंबर में एक चीज़ आपको सबसे मेन देखनी है कि इसमें ये ध्यान रखना है कि इट इज नॉट q not equal 0। एक सेकेंड, मैं इसमें प्रॉपर लिखवा देती हूँ आपको। इफ इसमें ये बताना है आपको कि अगर इसमें q की जो वैल्यू होगी, q मीन्स डिनोमेटर, q अगर आपके यहाँ पर ज़ीरो होता है, q अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर ज़ीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या रेशनल नंबर नहीं, मतलब उसमें कोई इंटीजर चाहिए। अब जैसे बाय चांस यहाँ पर ऐसे होगा कि 2/0, ठीक है, तो दिस इज नॉट रेशनल नंबर, क्लियर, दिस इज नॉट रेशनल नंबर। अब इसके बाय चांस यहाँ पर जीरो के प्लेस पे अगर कोई डिजिट होती 1, 2, 3, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें भी आपको ये लिखना है कि इफ क्यू इक्वल्स टू जीरो, अगर क्यू इक्वल्स टू जीरो तो then it is not rational number, जैसे q equals to 0 हो गया तो it is not rational number। clear, तो इसका means क्या है, q कि q not equal 0, मतलब q की value आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, clear। ये लिख दिया कि q equal to 0 होगा तो वो rational number नहीं होगा, तो so q not equal to 0। तो ये इस टाइप से आपको रेशनल नंबर करना है। अब इसमें रेशनल नंबर में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, एक तो होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर और एक सेकंड होता है आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर, वो भी देख लेना, नेगेटिव और रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। यस, देखना, यस, नेक्स्ट टाइप के हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है, इसे बाय चांस मैंने दे दिया कि 24/31, ठीक है, 24/31। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ही है और ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का मीन्स कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, कि जिस नंबर के आगे माइनस का साइन होगा तो वो नेगेटिव, और जिस जो प्लस का होगा, मतलब कोई साइन नहीं होगा, तो वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तब इसमें क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव ही है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्लस प्लस विल बी प्लस, तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा कि दोनों प्लस के हैं और प्लस 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 ही हो रहा है, ये भी चेक करना है आपको। अब इसमें बाई चांस मैंने आपको दे रखा है कि -21/-29। अब जैसे मैंने ये दे दिया क्या कि -21/-29, तो अब इसमें ये क्या चीज़ हो गई। अब इसमें देखो दोनों साइड माइनस के, तो आप इसमें क्या बोलोगे कि नेगेटिव है ये, बट नेगेटिव नहीं है ये। इसमें क्या हो रहा है, माइनस माइनस विल बी प्लस, इन दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होते हैं। तो इसका मीन्स भी यही चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इस टाइप से आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल, अब नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होगा ये भी देख लो। नेगेटिव रेशनल नंबर, अब नेगेटिव रेशनल में जैसे -31/49, अब ये दे रखा है। अब -31/49 इसका मीन्स क्या है कि ये नेगेटिव है, साइन आ गया नेगेटिव का। अब इसमें देखो प्लस माइनस, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो इसका मीन्स ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर, यहाँ पर आपको लिखना है कि नेगेटिव रेशनल नंबर, वो पूरा आपके क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से लिख देना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। आगे और भी देखो, जैसे बाई चांस ऐसे भी आ सकता कि -21/49। अब जैसे यहाँ पर डिनोमीटर में माइनस है, ठीक है, तो एक टाइप से ये नेगेटिव ही हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, 49। तो ये 49 माइनस का है, तो इसका प्लस माइनस माइनस, तो इसका मीन्स ये भी कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर, ये इस टाइप से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने, इसका क्वेश्चन है तो आपका वो देख लेंगे हम बाद में। उसके बाद इसे कभी भी ये ध्यान रखना, ये एज अ फ्रैक्शन ही होता है, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, पहले ही बता दिया कि फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे कभी कोई भी नंबर है, जैसे कभी कोई इंटीजर आ जाता है, ठीक है, जैसे इंटीजर -2, ठीक है, अब -2 इंटीजर है ये, तो -2 इसमें कोई अपॉन में 1 ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। अब इसको आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अपॉन की फॉर्म चाहिए, यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट ओनली 1। मैं आपको बता दूँगी, जब डिनोमीटर नहीं हो तो आपको क्या करना है, उसमें 1 यूज़ करना है, तो इसमें भी आपको 1 ही यूज़ करना है, तो अब ये चीज़ क्या बन गई, रेशनल बन गई। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो 0, ये लाइन देखी ना मैंने आपको लिखवाया था क्या कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो जाए, मीन्स क्या है कि ये पी है और ये वाला क्या है क्यू, तो पी अपॉन क्यू मीन्स के क्यू की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो ये वाला रेशनल नंबर नहीं होगा, और ये चीज़ आपकी 2/1 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। कभी ऐसा भी होगी कोई इंटीजर दे रखा हो, उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्ट अपॉन आपको क्या कर देना, अपॉन में 1, इसका मीन्स क्या कि डिनोमीटर में 1 आपको लिखना है। क्लियर, इस टाइप से आपको ये मैंने आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर ये सब बता दिए। अब आपको जैसे रेशनल, जैसे हमने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर किया था, तो वैसे इंटीजर को भी रेशनल रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर, लेफ्ट और राइट साइड पर। राइट साइड में तो क्या होते हैं, पॉजिटिव आएंगे, और लेफ्ट में क्या आएंगे, आपके नेगेटिव साइंस जो भी होंगे वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो इस टाइप से रेशनल नंबर को भी आप उसमें क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, अब इसमें देखना, यस, अब रेशनल नंबर जो होगा वो तो मैं आपको बता दूंगी, जब एक्सरसाइज करवा दूंगी तो मैं आपको उसमें सॉल्व करवा दूंगी कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। वैसे ही है जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव हम करते हैं, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। बट अब इसमें आपके नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी आता है आपको। जैसे हम फ्रैक्शन को करते, जैसे कोई भी नंबर ले लें कि 24/-48, ठीक है, अब ये नंबर मैंने यूज़ कर लिया कि 24/48, ये रेशनल नंबर है आपके। क्लियर, अब इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स लोवेस्ट फॉर्म में। जैसे फ्रैक्शन को हम करते हैं ना कि सेम टेबल से डिवाइड करते, कट करके करते हैं, तो सेम एज इट इज इसको भी ऐसे ही करना है कि डायरेक्ट आप टेबल यूज़ करके करना है, डायरेक्ट सेम टेबल से ही करना है। अब इसमें देख लो आप कि कौन से टेबल से आप इसको कट कर सकते हो, आप इसको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हो,
3 के टेबल से भी कट कर सकते हो, और डाई अगर आपको 24 का टेबल आता है तो उससे भी आप कट कर सकते हो, अगर आपको डाई 12 का टेबल आता हो तो उससे आप कट कर सकते हो, जो आपको टेबल आते हो डायरेक्ट कट होता हो तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। तब इसमें देखना कि 24 और 48 मैं डायरेक्ट 12 के टेबल से कट कर दूँ सबसे बेस्ट, तो 12 के टेबल से क्या हो जाएगा, ये तो 2 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके 4 टाइम, डाई गया 4 टाइम। अब अगेन ये माइनस का साइन यहाँ, ठीक है, माइनस का साइन आपको इग्नोर नहीं करना। अब इसमें देखो 2/4 फिर से आ गया, अब 2, जब तक ये दोनों प्राइम नहीं आने थे तब तक आपको इसको सॉल्व करना ही है। अब इसमें देखो 2 और 4 मतलब दोनों एक दूसरे से कट, जब तक नहीं कटे ये देखना है आपको। अब 2 और 4 भी कट रहे हैं, कौन से टेबल से कट रहा है, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के टेबल से ये कट रहा है डायरेक्टली, दोनों को सेम टेबल से ही काटना है और सेम टाइम काटना है, ठीक है। अब ये 1 टाइम और ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें अभी एक चीज़ ये भी देखना कि डेसिमल नंबर में हमेशा जो भी साइन होता है नेगेटिव का वो डिनोमीटर में नहीं रखना है आपको, वो क्या करना है न्यूमरेटर में कर दो, तो -1/2 हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आगे की जो भी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर और जो भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 8 पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। मैंने आपको लास्ट क्या पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू होता है वो माउथ से शुरू होता है, माउथ में हमने पढ़ा था टंग और टीथ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, माउथ के बाद हमने लिया था स्टमक, स्टमक पोर्शन में फूड का, मैं एज अ शॉर्ट रिवाइज कर लेती हूँ, स्टमक में फूड का जो डाइजेशन शुरू हो जाता है वहाँ पे एक चीज़ आती है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें थी HCl और पेप्सिन, जो जो काम के पॉइंट है वही बता रही हूँ। HCl बैक्टीरिया को कील करने का काम करता है और पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस चीज़ के बाद स्टमक में काइम बन जाने के बाद अब वो काइम कहाँ आता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट क्लास में बता दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के को समझने के लिए, क्योंकि उसकी लेंथ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम समझने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब उसके 3 नाम दे दिए कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ड्यूडेनम, सेंटर पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोल देंगे जेजुनम, और लास्ट वाला उसका इलियम, जहाँ पे इलियम ख़त्म होगा वहाँ से LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन हमारी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ तक पढ़ा दिया था, लोअर पार्ट इज कॉल्ड इलियम। द काइम पासिस आउट ऑफ द स्टमक इन टू द ड्यूडेनम, इन द ड्यूडेनम द फूड इज मिक्सड विद पेनक्रियाटिक जूस। अब मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बनाया था ग्रीन बोर्ड पे इसके प्रीवियस 2 क्लास छोड़ के, तो उसमें मैंने आपको बताया था डायग्राम के नीचे कि लीवर के नीचे तो स्टमक आ जाता है और स्टमक के नीचे क्या होता है, तो वो होता है, हम देख लेते डायग्राम यहाँ पर था, है ना, ये जो था डायग्राम उसमें यहाँ पर देखा था। अब इस डायग्राम को जूम कर लेते, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़, यहाँ पे था स्टमक, स्टमक के बाद में ये चीज़ आ गई पेनक्रियास, तो ये जो पेनक्रियास है यहाँ से एक जूस निकलेगा और इस पेनक्रियास से जो जूस निकलेगा वो जूस सीधा जाएगा SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे इसका कुछ रोल है। फिर लीवर से भी एक जूस निकलेगा, बाइल जूस, मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ, ये बाइल जूस और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ वाला जो स्टमक पोर्शन था यहाँ पे सिर्फ फूड का क्या बनता है, पेस्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम। तो अब मैं बता रही थी यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस जो निकला आपका वो किससे निकला, तो पेनक्रियास से निकला। अब ये चीज़ निकल के कहाँ जाएगी, ड्यूडेनम में आ गई, ठीक है, इनटू द फूड मिक्स्ड विद पेनक्रियाटिक जूस, हमने जो फूड खाया, जो काइम बना, जो स्टमक से आया, इनटू द ड्यूडेनम, इन द ड्यूडेनम द फूड इज मिक्स्ड विद पेनक्रियाटिक जूस, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू वाला पार्ट है वो ड्यूडेनम है। पेनक्रियाटिक जूस ऊपर से आएगा, पेनक्रियास से निकल के आएगा और पेनक्रियास से निकल के कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इन द ड्यूडेनम द फूड इज मिक्स्ड विद पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास एंड द बाइल जूस सिक्रीटेड बाय द लीवर। ये लाइन भी डायग्राम में ही बता दी थी कि लीवर जो है वहाँ से एक और जूस निकलेगा जिसको बोलेंगे बाइल जूस, और वो बाइल जूस भी कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में, सिक्रीटेड बाय द लीवर। तो बाइल जूस कहाँ से निकला, लीवर से, और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, तो पेनक्रियास से। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों काम करता है, डाइजेशन भी कर रहा है फूड का और उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, यानी काम की चीज़ को एब्जॉर्ब भी कर रहा है।
फ्रॉम द ड्यूडेनम द फूड पासिस इनटू द इलियम थ्रू द जेजुनम. फ्रॉम द ड्यूडेनम, अब ड्यूडेनम वाले पार्ट से फूड कहाँ आ जाएगा? इलियम में, क्योंकि इलियम बीच का पार्ट है. ड्यूडेनम से आ जाएगा वो इलियम थ्रू द जेजुनम, मतलब जेजुनम में बीच में. ड्यूडेनम से पहले क्या है? जेजुनम, और जेजुनम के लास्ट में क्या है? इलियम. तो वो बोल रहा है कि ड्यूडेनम से फूड इलियम में आएगा बट जेजुनम के थ्रू आएगा. तो आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. ड्यूडेनम से फूड जेजुनम में और देन इलियम में. इलियम से क्या शुरू हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन. लेकिन उससे पहले द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाता है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विथ मिलियंस ऑफ टीनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली. ये चीज़ काम की है ना, ये पैराग्राफ आपको उतारना है. अगर नहीं उतारते हो तो मैं इसका नोट्स बनाना भी आपको अभी सिखा देती हूँ. पहले इसको समझ लेते हैं. ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली इनर लेयर पर एक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम नाम दे देते हैं माइक्रोविली या विली. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में विली नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम क्या है? सेल्स ऑफ विली सीक्रेट एंजाइम with complete the digestion of food. The digested food is absorbed into the blood and the undigested food moves to the large intestine. इसने क्या बोला? Cells of villi. अब अंदर वाली जो cells है villi की, वो क्या करेगी? तो वो एक enzyme निकालेगी which complete the digestion of food. उस villi में से एक enzyme निकलेगा जो food का complete digestion कर देगा. अब उस food को वो absorb करके कहाँ भेजेगा? Absorbed into the blood. देखो ये छोटी सी line है. The digested food is absorbed into the blood. मैंने कहा small intestine में food है, वहाँ पे enzyme के through इसका digestion हो रहा है, पर ये यहाँ से blood में कैसे जा रहा है? क्या small intestine में blood होता है? नहीं, small intestine में blood होता ही नहीं है. तो small intestine से blood stream में कैसे आ रहा है? मैं आपको notes में सिखाती हूँ. ये कैसे होता है? देखो, ये small intestine है हमारी, ठीक है, आपके समझने के लिए. इस तरह से कॉइल्ड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवार में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. मैं जैसा बना रही हूँ आपको डायग्राम बुक में नोट्स में बनाना ही बनाना है. मैंने बहुत दूर दूर बनाए. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास पास में होते हैं. इनको बोलते हैं टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये इस तरह से पास पास में होते हैं, ठीक है. और मैंने एक ही साइड पे बनाए एज वेल एज ये दोनों साइड पे होंगे, ठीक है. मतलब ये कि ये आउटर वॉल हो गई. ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल यहाँ लिखा नहीं है, सही, आप समझ जाना मैं बोल रही हूँ इसको. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन के ये अंदर वाली दीवार है, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा थीन होती है, पतली होती है. इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी उंगली जैसी संरचना में उभार पाए जाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हमारा आया फूड पार्टिकल. इस फूड पार्टिकल में से ग्लू, ये विली क्या करती है? ये स्ट्रक्चर, इसको हम नाम दे देते हैं. इस स्ट्रक्चर का नाम है विली. ये क्या है? विली नामक संरचना है, जो क्या कर रही है? यहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन कर रही है. यानी कि हम जो फूड में खा रहे हैं, सपोज हमने ग्लूकोज खाई, हमने जो भी फूड खाया उसमें ग्लूकोज अलग निकलना है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चीज़ होती है? किसकी ज़रूरत होती है? तो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है. तो वो क्या करता है? हमारे यहाँ पर एक ब्लड स्ट्रीम होता है, यानी कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है बॉडी में जो जिसके साइड में ब्लड वेसल्स ना हो. हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स बनी हुई है, ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में पतली पतली सी क्या होती है? ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती है? यहाँ से ये विली जो है ना, ये विली बहुत छोटी चीज़ है, बट इसका काम बहुत बड़ा है. ये क्या करती है? इस फूड में से ग्लूकोज को वो यहाँ भेज देती है. यहाँ पर इसने क्या भेज दिया? ग्लूकोज. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पर एक तो था ब्लड, प्लस यहाँ से क्या आ गया? तो यहाँ पे ऐड हुआ इसके साथ C6H12O6, दैट मीन्स ग्लूकोज. मतलब यहाँ से फूड पार्टिकल में से हमारा ग्लूकोज कहाँ चला गया? ब्लड में. फूड कहाँ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में.
विली ने इस फूड में से फूड को नहीं भेजा, यहाँ से फूड ब्लड में नहीं जाएगा तो फिर ब्लड ब्लॉक हो जाएगा। ब्लड को सिर्फ क्या चाहिए, लिक्विड पोर्शन, ताकि वो उसको सप्लाई कर सके। तो ये क्या करेगा, विली नाम की चीज़ जो होती है, ये इस फूड पार्टिकल में से सिर्फ ग्लूकोज को, लिक्विड ग्लूकोज को वो यहाँ से यहाँ भेज देगा। अब ये ग्लूकोज कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। जब ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो हमको क्या मिल जाती है, एनर्जी। मैं आपको इसको रिएक्शन में समझा देती हूँ। ये पूरा यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ब्लड वेसल से। ये क्या है, लिख दो आप, नोट्स प्रॉपर बनेंगे आपके। ये है ब्लड वेसल्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर भरा हुआ है ब्लड, ब्लड में से आ गई, ये यहाँ से आ गई ग्लूकोज। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज यहाँ आ गई, इसने ब्लड के साथ कंबाइनेशन कर लिया, रिएक्शन कर लिया और हमको क्या मिल जाएगी, एनर्जी। मैं एक छोटी सी रिएक्शन लिख देती हूँ, जैसे C6H12O6+O2, मतलब ये तो ग्लूकोज था। और ब्लड में हमारे साथ क्या होता है, ब्लड में तो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके यानी उसको पकड़ के पूरी बॉडी में घुमाती रहती है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों चीज़ें मिलेगी तो एक चीज़ बनेगा। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, एक रिएक्शन में दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही है। फिर बनेगा क्या, तो एक बनेगा CO2+H2O+एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कंबाइनेशन हुआ, एक चीज़ प्रोडक्ट के रूप में बनी, CO2, H2O और एनर्जी, ठीक है। अब ये जो CO2 है वो हमारे काम की नहीं है, तो इस तरह से हम जब O2 लेते हैं तुरंत CO2 निकाल देते हैं, उतने टाइम में ये सारा प्रोसेस आपका अंदर हो जाता है। आप O2 को ले रहे हो और CO2 को बाहर निकाल रहे हो, तो ये CO2 इस प्रोसेस से बाहर निकलती है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ दोनों मिक्स होती है, ब्लड स्ट्रीम में दोनों मिक्स होने के बाद CO2 तो आप रखोगे ही नहीं, CO2 को बॉडी से क्या कर दोगे, रिलीज, CO2 को रिलीज करोगे, H2O को बॉडी यूज कर लेगी क्योंकि ये तो वाटर है, पानी की तो ज़रूरत होती है बॉडी में, और एनर्जी आपको मिल जाएगी, यानी कि इतने से फूड पार्टिकल से आपको क्या मिल गई, एनर्जी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है हम खाना खा रहे हैं एनर्जी मिल रही है, खाना खा रहे हैं एनर्जी मिल रही है। आज के बाद आप ये चीज़ याद रखोगे कि एक छोटा सा फूड पार्टिकल भी आप ले रहे हो तो उस फूड पार्टिकल से, हमने यहाँ पे इस इतने से फूड पार्टिकल को लिया था, इस फूड पार्टिकल से हमको ये चीज़ कैसे मिल रही है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इतने से खाने से आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फूड खाने से एनर्जी मिलती है। अब ये लाइन आपको सिर्फ एक लाइन में नहीं बोलनी है, ये इतनी लाइन बोलने के बाद माइंड में इतनी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है और इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में कंटिन्यू करूँगी मैं, तब तक के लिए इसके नोट्स बना के लर्न करना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 3 पढ़ रहे थे द दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन और रज़िया सुल्तान, इन सब के बारे में बताया और आपने उन सभी के नोट्स भी बना लिए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं, खिलजी डायनेस्टी। तो लास्ट अपन 2 लाइन्स रीड करेंगे लास्ट वाले की, जिससे आपको कंटिन्यू हो जाए कि खिलजी डायनेस्टी कैसी आई है। सिंस बलबन सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट, क्या दे रखा है, बलबन के जो सक्सेसर थे यानी कि जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे, कमजोर थे और इनएफिशिएंट थे। द थ्रोन वॉज कैप्चर्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी, तो इनका जो सिंहासन था वो किसने कैप्चर्ड कर लिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। एंड द स्लेव डायनेस्टी केम टू एन एंड, और यहाँ पर क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी का एंड हो जाता है और यहाँ पर कैप्चर किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो अब कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे, अपन खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड इज रूल इन 1290 CE आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, देखो दे रखा है यहाँ पर, खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट कहाँ से होता है, 1290 CE आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, जब बलबन की डेथ हो जाती है तो कौन सा वंश आता है, खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी रूल्ड फॉर 3 डिकेड्स, कितने डिकेड्स दशक तक शासन किया था, 3 दशक तक। फर्स्ट पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296 तक इन्होंने अपना शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, अंडरलाइन कर देना, अगर आपसे पूछा जाए खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था तो आंसर क्या आएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन वॉज
70 ईयर ओल्ड पेन ही एसेंडेड द थ्रोन. देखो क्या दे रखा है, जलालुद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर बैठे थे तब उनकी एज कितनी हो गई थी, 70 ईयर्स की. यानी कि कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में वो आ गए थे, बूढ़े हो गए थे. ही डिफीटेड द डिसेंडेंट्स ऑफ बलबन एंड एस्टेब्लिश द खिलजी डायनेस्टी. फिर भी उन्होंने बलबन के जो डिसेंडेंट्स थे, जो वंशज थे, उनको हरा दिया था और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलाउद्दीन वॉज द अटैक ऑन द यादव सिटी ऑफ देवगिरी. अब इनके समय का सबसे बड़ा इंसिडेंट्स अपन बोल सकते हैं कि यादव सिटी के ऊपर जो अटैक हुआ था देवगिरी, वो इनके शासन का सबसे बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बड़ी घटना थी. ही वॉज किल्ड बाई हिज निफ्यू अलाउद्दीन खिलजी एंड देम अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ दिल्ली. देखो इन लोगों में क्या होता था, ये लोग कैसे होते थे कि शासन को प्राप्त करने के लिए ये भी नहीं देखते थे कि मेरा पुत्र है कि पिता है कि भतीजा है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं होता था. बस इनको क्या है कि मुझे शासन करना है, ये वाली बात होती थी. तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो कौन थे, इनके भतीजे थे, नेफ्यू, उन लोग उन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर अटैक किया था, इनको मार दिया था और खुद को अपने आप को दिल्ली सल्तनत का मुगल शासक घोषित कर दिया था. तो यहाँ पर अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. तो जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद उनके बाद कौन आए थे, अलाउद्दीन खिलजी. फर्स्ट कौन थे खिलजी डायनेस्टी में, जलालुद्दीन खिलजी, और सेकंड कौन आए, अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी वॉज बाय फार द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. क्या दे रखा है, मोस्ट फेमस रूलर, बहुत प्रसिद्ध शासक थे. He was a brilliant general and clever administration and was successful in expanding the territories of the kingdom considerably. क्या दे रखा है, he was brilliant, बहुत ज़्यादा intelligent थे, and a clever administration. clever का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान शासक थे. and was successful in expanding, और बहुत successful रहे expanding, विस्तार करने में अपने territories, अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें अपने साम्राज्य को फैलाने में ये बहुत ज़्यादा successful रहे थे. Due to his ambitious nature, ambitious का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी नेचर, he killed Jalaluddin, marched to Delhi and proclaimed himself the king. क्या दे रखा, he killed Jalaluddin Khilji, इन्होंने Jalaluddin Khilji को मार दिया था, and marched to Delhi, Delhi जाकर proclaimed, अपने आप को इन्होंने राजा घोषित कर दिया था. Expansion of the empire, expansion का मतलब भी वो होता है विस्तार करना. किस प्रकार से इन्होंने एम्पायर का मतलब साम्राज्य ले सकते हो, किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अटैक किया और किस किस को अपना बंदी बनाकर उसके ऊपर इन्होंने उनको अपने कैप्चर में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया था. इन 1297 अलाउद्दीन सेट ऑफ फोर कनकरिंग गुजरात. सबसे पहले इन्होंने किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, गुजरात के ऊपर. इन 1301 द फोर्ट ऑफ रणथंबोर वॉज कैप्चर्ड. आपने नाम सुना होगा रणथंबोर का किला, उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया था, 1301 के अंदर अटैक किया था और इसको अपने अंदर में ले लिया था. इन 1303 ही कनकर चित्तौड़ किलिंग राणा रतन सिंह, और 1303 में इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली थी. किसको मारकर, राणा रतन सिंह को मारकर. हिज क्वीन रानी पद्मिनी अलोंग विथ अदर वुमेन कमिटेड जौहर. अंडरलाइन करना आप इसको यहाँ, इन 1301 के यहाँ से लगाकर. हीज क्वीन रानी, राणा रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, जिसने जब राणा रतन सिंह की डेथ हो गई थी, जब हत्या कर दी गई थी, तो उन्होंने दूसरी सभी महिलाओं के साथ मिलकर क्या किया था, जौहर किया था. जौहर क्या होता है, जब राजा किसी युद्ध में मर जाते हैं तो उनकी जितनी भी रानियां होती, क्योंकि पहले एक राजा की एक ही रानी नहीं होती थी, बहुत सारी रानियां होती थी, और उनके साथ जो भी जितने भी उनके सैनिक होते थे, अगर वो भी सैनिक के साथ साथ वापस सेविकाएं भी होती थी, दासियां भी होती थी, तो रानी के साथ जितनी भी महिलाएं होती थी वो लोग क्या करती थी, जिंदा आग में जलकर मर जाती थी. किस क्यों मरती थी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कह सकते सेल्फ रेस्पेक्ट को, स्वाभिमान को बचाने के लिए वो क्या करते थे, जौहर करते थे. अगर ऐसा काम पुरुष करते थे तो उसको शाका कहा जाता था, केसरिया कहा जाता था. तो यहाँ पर क्या हुआ, हिज क्वीन रानी पद्मिनी, आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी रानी पद्मिनी का, तो उसमें भी इसी की स्टोरी दे रखी है. हिज क्वीन रानी पद्मिनी अलोंग विथ अदर वुमेन कमिटेड जौहर, और ये जौहर कब हुआ था, 1303 में. तो आप यहाँ से 1301 के यहाँ से यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर देना. इन 1305 अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड मालवा. अब ये देखो अलाउद्दीन खिलजी ने और किस किस को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था,
मालवा, उज्जैन, मंडू, धार एंड चंदेरी बट फेल टू कैप्चर बंगाल। अब यहाँ तक के सारे क्षेत्र थे तो इन्होंने अंडर में ले लिए थे, लेकिन बंगाल को कैप्चर नहीं कर पाए थे। इस पॉलिसी में वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। बाय 1311 सी ही हैड कैप्चर्ड नियरली द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, लेकिन 1311 के अंदर उन्होंने आसपास का जितना भी क्षेत्र था नॉर्थ इंडिया वो भी उन्होंने क्या कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। ही बिल्ट अलाई दरवाजा नियर कुतुब मीनार। अंडरलाइन करना, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी स्मारक बनवाया है तो उसमें क्या आंसर आएगा, अलाई दरवाजा। कहाँ पर बनाया, कुतुब मीनार के पास में, कुतुब टू कमोमरेट हिज विक्ट्रीज। क्यों बनाई थी उन्होंने अलाई दरवाजा, उनकी ये जो सारी विजय प्राप्त हुई थी इसकी याद में, इसकी खुशी में उन्होंने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था, कुतुब मीनार के पास में। इन 1307 अलाउद्दीन सेंट एन एक्सपेडिशन अंडर मलिक काफूर। अब अलाउद्दीन सेंट ने यहाँ पर क्या किया था, मलिक काफूर के अंडर में एक सेना भेजी थी। हिज जनरल मलिक काफूर कैप्चर्ड लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। उसका जो जनरल था मलिक काफूर, उसने क्या किया, साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट को भी कैप्चर कर लिया। देखो यहाँ पर कितना क्या आया, नॉर्थ इंडिया भी आया है, साउथ इंडिया भी आया है, उसके अलावा ये सारे क्षेत्र ऊपर रणथंबोर, चित्तौर, गुजरात, तो इतने सारे क्षेत्र किसके अंडर में आ गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र में आ गए थे। ही डिफिटेड द यादव, यहाँ पर उन्होंने यादव को भी हरा दिया, द केकतीस एंड द होयसालास एंड द पांडस, ये सारे अलग अलग वंश के नाम है, अलग अलग राजा महाराजाओं से बिलोंग करते थे, इन सभी को इन्होंने हरा दिया था। During his reign, the Mongols invaded the country several times, but the Sultan was successful in suppressing them all. बहुत बाहर Mongols ने जो last में भी आया था, slave dynasty में भी Mongols के बारे में आया था, तो उन Mongols ने इनके ऊपर बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार वो क्या हो गए थे, इस काम में fail हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर powerful कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। मलिक काफूर, अब मलिक ने यहाँ पर जो युद्ध किए थे, उसने वो ऐसे युद्ध करता था कि बहुत सारे लोगों से जो चीज़ें होती थी उनको भी लूटने का काम वो करता था, मंदिरों को लूटता था, तो अब देखो उसके पास कितनी सेना हो गई थी। मलिक काफूर रिसीव्ड 100 एलिफेंट्स, 7000 हॉर्सेस एंड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब वही अपने जो गहने होते हैं, एंड कॉइंड मनी फ्रॉम द किंग ऑफ वारंगल प्रताप रुद्रदेवा इन द द्वार्स मुद्रा। किंग वीर वल्लभ वॉज डिफिटेड एंड मेड प्रिजनर। अब देखो यहाँ पर क्या किया था, किसके ऊपर अटैक किया था इन्होंने, किंग ऑफ वारंगल प्रताप रुद्रदेवा, इनके ऊपर अटैक करके क्या क्या रिसीव्ड कर लिया था, 100 एलिफेंट्स, 7000 हॉर्स और बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने चांदी की जो चीज़ें थी वो। किंग वीर वल्लभ वॉज डिफिटेड एंड मेड प्रिजनर, और जो वहाँ का राजा और कोई राजा थे, किंग वीर वल्लभ, उनको भी हरा दिया, और प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब क्या होना, बंदी बना दिया, उनको बंदी बना दिया। द रिच टेम्पल्स ऑफ सिटी वर प्लंडर्ड, उसके अलावा उस सिटी में जो बड़े बड़े कह सकते बहुत अच्छे अच्छे जो मंदिर थे उनको भी प्लंडर का मीन्स होता है लूटना। एंड मलिक काफूर गोट अ लॉट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स एंड पर्ल्स फ्रॉम दिस टेम्पल्स, और उस टेम्पल से भी उसने बहुत सारा सोना, चांदी, गहने और पर्ल्स का मतलब होता है मोती, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ से इकट्ठी कर ली थी। तो ये सब काम किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। फ्रॉम द्वार्स मुद्रा मलिक काफूर मार्च टूवर्ड्स मदुरा। अब ये वहाँ से कहा गया था मदुरा, मदुरा वॉज द कैपिटल ऑफ पांडे किंगडम। ही ऑल्सो डिफिटेड द यादव्स, केकतीस एंड होयसाला। ही गोट मैनी एलिफेंट्स, 20,000 हॉर्सेस, 2,750 पाउंड्स ऑफ गोल्ड एंड लॉर्ड्स ऑफ ज्वेल्स। वहाँ पर भी इसने लूट कर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, ये किसने किया था, मलिक काफूर ने किया था। अब इसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अभी जो मैंने पढ़ाया है एक बार आप इसको रीड कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कल हमने जांतव रेशों के बारे में पढ़ा था, ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, हमने देखा ऊन भेड़ से प्राप्त हुआ, याक से प्राप्त हुआ, एक अंगोरा बकरी जो है उनसे भी हमें ऊन प्राप्त हुआ। ऊन, ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, जैसे देखिए आप ये ऊंट, ठीक है ना,
दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है। इन ऊँटों से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। अब ये ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, है ना, पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, लामा और एल्पेका ऊँटों से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। जैसे ये लामा, ये आपके सामने दे रखा है, लामा भी है और एल्पेका भी है। अब आगे क्रियाकलाप देखिए, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्केप पुस्तिका से पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाते तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास भी कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में ऊन, भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का भी प्रयास कीजिए। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को भी चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं और जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतु के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग भी कीजिए। कहने का मतलब हमारे देश में किस किस जगह से किन किन जंतुओं से ऊन प्राप्त होता है और ये जंतु हमारे देश में किन जगह पर पाया जाता है। अब देखिए, रेशों से ऊन तक, अब हम ऊन मिल गया, आगे देखिए आप, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भेड़ों को पालना पड़ेगा। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें कि ऊन से आगे हम क्या करेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। हम कभी कभी देखते हैं ना कि सड़कों पर बहुत सारे भेड़ जा रहे हैं और गडरिया उसको लेकर जाने, ऐसे झुंड देखे होंगे आपने। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती। भेड़ जो होती है वह शाकाहारी है और पत्तियां खाना ज़्यादा पसंद करेगी, घास और पत्तियां। भेड़ पालक यानी कि पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी कि बीज में से तेल निकालने के बाद में बचा हुआ पदार्थ, खली पदार्थ कौन सा है? बीजों को डाला जाता है जिसमें से तेल अलग निकल जाता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है वह खली कहलाता है, और खनिज भी खिलाते। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है, उन्हें पत्तियां और अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। अब देखिए, हमारे देश के अनेक भागों में ऊन, भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ को क्यों पाला जाता है? ताकि हमको क्या प्राप्त हो? ऊन। 3.1 अभी देखेंगे हम, भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। 3.1 में उनमें प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता, गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती। जैसा कि पहले बताया गया कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना वर्णात्मक, उसके बारे में दे रखा है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। भेड़ पालते, भेड़ पर अच्छी प्रकार से अगर ऊन आ जाती है तो फिर उन ऊनों को काट दिया जाता है। आप सारणी देखिए 3.1, ये नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता, राज्य जहां पर पाई जाती है। अब कौन कौन सी? लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर भूरी ऊन उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है। नाली गलीचे के ऊन को ऊन, यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। बाखरवाल ऊनी शॉल के लिए होता है, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी वृक्ष ऊन है, गुजरात में पाई जाती है। पाठनवाड़ी होजरी के लिए होती है और यह गुजरात में पाई जाती है। तो आज आप यही याद करें कि भेड़ों को क्यों पाला जाता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है,
ठीक है ना, और कौन कौन सी नस्लें हैं जो किन किन स्थानों पर पाई जाती है। गुड मॉर्निंग क्लास, कल अपन ने लास्ट टाइम नियम पढ़े थे, क्रमनिमिला नियम, साजरिता नियम, इसके बारे में अपन ने काफी चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक के बारे में भी चर्चा की थी, ठीक है। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 में थे, जिसका सवाल नंबर पहला, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, सवाल पहला, दूसरा, तीसरा, तीन सवाल है, तीनों को मैं हम करके बताऊंगा। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, योग माइनस सात हो। पहले का सवाल योग क्या कह रहा है, योग माइनस सात हो, यानी ऐसे दो संख्याओं का आपको योग करना है जिसका आंसर मुझे माइनस सात मिले। सीधी बात ये आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है और जिसका योग करना है कि मुझे आंसर माइनस सात मिले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको गणितीय नियम भी बताया था मैंने कि जब दो माइनस की संख्या है का योग करते हैं तो माइनस का निशान लगाते हैं। यहाँ माइनस सात है, क्या मैं माइनस तीन और माइनस चार को जोड़ता हूँ तो माइनस सात आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये भी हो सकता है। या मैं जोड़ू माइनस दस प्लस तीन, माइनस दस में से प्लस के तीन घटाऊंगा तो भी माइनस के सात होंगे। तो अपने यहाँ जोड़ने की बात की है, क्या किया माइनस चार प्लस माइनस तीन, दो ऐसी संख्या है जिनका योग करूंगा तो क्या है कि माइनस के सात, माइनस चार व माइनस तीन, इन दोनों का अगर योग करता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होते हैं, माइनस सात। उसी प्रकार इसका सवाल नंबर बी देखिए, सवाल नंबर बी क्या कह रहा है कि अंतर माइनस दस होना चाहिए, यानी ऐसी दो संख्याओं को घटाओ, दो संख्याओं को घटाओ जिसका अंतर मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस दस। अब घटाना भी और माइनस दस आना, सपोज मैंने लिया माइनस दस पांच और प्लस पांच, अब इसमें से इसको घटाता हूं, कैसे माइनस पांच माइनस माइनस प्लस पांच को घटाता हूं, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, ध्यान देना माइनस पाँच, माइनस करूँगा प्लस से करेंगे क्या है माइनस पाँच, और माइनस पाँच और माइनस पाँच क्या होता है माइनस दस। तो सपोज मैं ले सकता हूँ क्या लेता हूँ, एक संख्या मैंने क्या लेंगे माइनस पाँच और दूसरी संख्या मैंने क्या लेंगे प्लस के पाँच, दोनों को अगर मैं एक दूसरे में घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है माइनस के दस। जरूर तो नहीं माइनस कोई भी संख्या ले सकता हूँ, आपकी इच्छा कोई भी संख्या ले लो जिसके अंदर आंसर मेरा माइनस दस होना चाहिए, ठीक है, घटाते हो ले मान के ले लेता हूँ माइनस पंद्रह और प्लस पाँच ले लेता हूँ, ठीक है माइनस पाँच लेता हूँ, सॉरी माइनस पाँच घटाओ तो ये क्या होगा माइनस पंद्रह, माइनस माइनस प्लस के पाँच, माइनस पंद्रह से प्लस के पाँच या माइनस के दस, ये भी हो सकता है। तो कोई भी आपकी इच्छा हो उस संख्या को भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक को लिया माइनस पाँच व माइनस सॉरी प्लस जीरो कोई भी दो संख्या हो, एक प्लस किलो एक माइनस किलो, उसका अंतर क्या है हमेशा जीरो, योग करोगे, ठीक है। सवाल नंबर बात करते हैं, सवाल नंबर दूसरा ये हो गया पहला सवाल जिसके बारे में अपन ने सवाल दूसरी तरह से देख लिया। दूसरे सवाल के अंदर क्या आपको क्या है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद का आई क्यू नहीं जोड़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर जैसा बनेंगे जिसके अंदर आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको फायदा मिलता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप हाथ ही नहीं चलाओगे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको सवाल करने नहीं आएंगे, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे कॉपी में, जब तक आप सवाल को हल नहीं करोगे तब तक आपको गणित में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पेन लो कॉपी लो लेट बैठ जाओ और सवाल को हल करो,
जितने सवाल जितने ज़्यादा हल होंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ही आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अब सवाल करते हैं, सवाल नंबर दूसरी बात करते हैं। सवाल नंबर दूसरे में एक क्या कह रहा है, डांस सुनना। सवाल नंबर दूसरे का एक क्या कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और युग्म पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका अंतर आठ हो। क्या हो, आपको दो ऐसी ऋणात्मक संख्या लेनी, क्या लेंगे, ऋणात्मक, और जिसका अंतर क्या आना चाहिए, आठ। अब मेरे को यहाँ ऐसी संख्या लेनी जो माइनस वाली हो, यहाँ ऐसी संख्या दे रही वो क्या आना चाहिए, माइनस वाली, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या आना चाहिए,
जिसके अंदर एक ए प्रीमियम और एक बी प्रीमियम, ए प्रीमियम पहले प्रश्न के अंदर उसने क्या किया, माइनस चला गया आंसर उसका, क्या चला गया माइनस, फिर दूसरे प्रश्न में उसको दिए 10, तीसरे प्रश्न में उसको दिए 0। उसी प्रकार टीम बी द्वारा, टीम बी द्वारा प्राप्त, टीम बी द्वारा प्राप्त क्या है, पहले प्रश्न में 10 मिले, दूसरे में 0, फिर माइनस 4, यानी ये क्या होता है, जब माइनस में क्या होता है, क्या होता है, एक प्रश्न राइट होता है दूसरा गलत होता है, तो दूसरे के अंदर माइनस हो जाता है, अंक कट जाते हैं, ये माइनस अधिक प्रश्न का होता है, इसको माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या आप कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, सबसे पहली बात है ये पूर्णांकों को आप किसी भी क्रम में जोड़ सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब किस टीम को अधिक अंक मिले और किस टीम को कम अंक मिले, इसको अपन जोड़ेंगे तब पता पड़ेगा किस टीम को अंक ज्यादा मिले, टीम ए द्वारा प्राप्त, टीम ए द्वारा ये प्राप्त हुआ है, उसको जोड़ता हूँ माइनस 40 प्लस 10 प्लस 0। अब मैंने आपको गणित में बताया माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ करके माइनस का निशान और प्लस वाली संख्या को जोड़ करके प्लस का निशान, प्लस 10 में से 0 है तो प्लस के 10। अब सॉल्व, माइनस 10 बड़े माइनस की संख्या का ये माइनस का निशान लगेगा और माइनस 40 में से प्लस के 10 के तो माइनस के 20, यानी टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितना था माइनस 3। दूसरी बार इसको जोड़ रहा हूं, देखो 10 प्लस 0 प्लस माइनस 40, देखो 10 प्लस का प्लस 0 माइनस 10 का गुणा माइनस से गुणा क्या आएगा माइनस 40। अब 10 प्लस 0 10 माइनस 40, अब 10 प्लस माइनस 40 क्या है तो माइनस 30, यानी दोनों टीमों को माइनस 30 इसको भी मिल रहा है, माइनस 30 इसको भी मिल रहा है, यानी क्या लिखा हुआ है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या आप कह सकते हैं गुणांकों को, क्या हम कह सकते हैं कि गुणांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, हाँ किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं और दोनों टीमों को क्या लिखा हुआ है, दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए, दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ये अपना सवाल नंबर 30 का हो चुका है, नेक्स्ट क्लास अपन कल देखेंगे जिसके अंदर सवाल नंबर 4 और 5 चौथे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वह
बारे में जानना चाहता था उनका काम उसने अल-बेरूनी को सौंपा और उसने जो पुस्तक जो बनाई थी उसका नाम था अल-हिंद नामक पुस्तक उसने लिखी थी सुल्तान के कहने पर। इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण का स्रोत बनी वो अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी उसने परामर्श किया था जो कि संस्कृत क्या है एक बहुत प्राचीन भाषा है सबसे पहले जो आई थी वो संस्कृत भाषा भी आई थी। अब चलिए सुल्तान महमूद के पश्चात युद्ध करने वालों में दूसरे राजाओं में जो थे चौहान जो कि बाद में जाकर के ये चौहानों के नाम से प्रसिद्ध हुए थे वे दिल्ली के और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। जब अपने अपन ने इसमें देखा था मानचित्र के अंदर अपन ने देखा था कि ये देखो दिल्ली और अजमेर का आसपास का जो क्षेत्र था ये किसका था चौहानों का था। इन्होंने क्या करा पश्चिम में ये चालुक्य रहते थे यानी कि चालुक्यों का शासन जो था इधर पश्चिम की ओर में जो कि अभी वर्तमान में अपना गुजरात का इलाका आता है तो इन्होंने क्या करा उनको भी जीत करके अपने राज्य में मिला दिया था। और इधर पूर्वी भाग में जो है ये चौहान के पूर्वी भाग में जो है ये क्या है यहाँ पर गढ़वाल का शासन था तो गढ़वालों को भी इन्होंने हरा करके क्या करा इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला दिया था। इस प्रकार उनके बाद में ये भी आए थे युद्ध करने के लिए उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर से नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा जहां उन्होंने पश्चिम की ओर से चालुक्यों को और पूर्व की ओर से गढ़वाल लोगों का जो शासन था उन्होंने क्या करा अपने अंदर मिला दिया था। अब देखिए चौहानों के अंदर भी एक जो शासक आया था पृथ्वीराज तृतीय ये भी इम्पोर्टेंट है पृथ्वीराज तृतीय इसका नाम भी याद रखना पृथ्वीराज तृतीय जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक जो था उसके साथ में 1191 में तराई के मैदान में इन दोनों के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने इसको मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और मोहम्मद गोरी ने क्या करा 1192 ईस्वी में दोबारा इसने वापस युद्ध किया था वो भी तराई के मैदान में हुआ था उसमें क्या करा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। ये यहाँ पे लाइन कर लेना पृथ्वीराज तृतीय इसका जो समय था वो था 1168 से 1192 तक का। पृथ्वीराज तृतीय समय क्या था तो 1168 से 1192 तक यानी कि इतने वर्ष तक उसने युद्ध किया था सॉरी उसने शासन किया था उसके बाद में 1192 के अंदर मोहम्मद अफगान शासक मोहम्मद गोरी के साथ में उसके बीच में तराई के मैदान में प्रथम युद्ध 1191 व इसके मैदान में द्वितीय युद्ध 1192 में प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था मोहम्मद गोरी हार गया था और द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो ये अपना ये दो प्रश्न मैंने दे भी दिए तुमको इनको पढ़ लेना प्रश्न आंसर कर लेना और लेसन को हो सके तो पढ़ना। ये वाला जो पैराग्राफ अपन ने आज जो पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है इसके जो आंकड़े हैं पृथ्वीराज का समय कितना था कौन कौन से युद्ध हुए थे किस बीच पे हुए थे किसकी विजय हुई थी और कौन हारा था ये सब आपको याद होना चाहिए यानी कि सुल्तान ने कब युद्ध किया था और क्या किया था उसने युद्ध का जो खजाना लूट करके ले गया था उसने हमारे यहाँ भारत में कितनी बार युद्ध किया इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए फिर से इसको एक बार पढ़ लेना फिर अपन कल चोल राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ था